क्वेश्चन नंबर 19 देखिए गाइस, क्या बोला है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बोला है ऑर्डर 3। अच्छा, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 3 का है, ठीक है, 3x3 का है, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना दिया आपको, 4। तो पूछा है देन व्हाट इज़ द ट्रांसपोज वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो हमें पता है चाहे ए निकालो का डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स है या कोई डिटरमिनेंट है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, कोई डिटरमिनेंट है उसका जो वैल्यू आता है और उसके जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू आता है, दोनों क्या आता है, सेम आता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी में होता है, जो कि ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू उसके ट्रांसपोज की वैल्यू, उसके ट्रांसपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। यानी इसका मतलब यानी क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 4 ना। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हमारे पास आएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास आएगा, आंसर डी।